सीमित संसाधनों में मेहनत और लगन से इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 के खिताब के विजेता बने अबुझमाड़ मलखंब के बच्चों का दर्द सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बरसते पानी में मंत्री केदार कश्यप से बच्चे अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहे हैं। सरकारी सिस्टम से हार रहे बच्चों का दर्द उनके बुलंद हौसले को पस्त करता नजर आ रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट को जीतकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले बच्चों की मदद के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र और निको जायसवाल कंपनी कागज कागज खेल रहे हैं। बारिश की वजह से मलखंब प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की सामग्रियां नष्ट हो रही है और खुले आसमान के नीचे कीचड़ में अबुझमाड़ के बच्चे अमेरिका गॉट टैलेंट जीतने की तैयारियां कर रहे हैं। माननीय विधायक हमर प्रिय दादा श्री केदार कश्यप जी हमन मलखंब के राष्ट्रीय खिलाड़ी हावन जेमे हमन अभी तक के 5 साल भी ज्यादा पदक जीते हावन, लेकिन हमन अभी तक के कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिली सावे। हमन बार बार लेटर लिखत हवन निको और भिलाई ला, लेकिन हमर बात नहीं सुने जाए। बरसात में हमर मलखंब और मैदान खराब हुआ था। अगर ऐसने रही तो हमन भविष्य में मलखंब नहीं कर पाबो। हमन जम्मू आपको निवेदन करत हावन कि यहाँ इंडोर स्टेडियम ला बना दिए जाए और आर्थिक सहयोग किए जाए, जेखर ले हमन मलखंब ला अमेरिका और ओलंपिक तक ले जा सके। माननीय विधायक हमारे प्रिय श्री केदार कश्यप जी, मैं मलखंब की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, जिसमें हमारी अकादमी ने अब तक 500 से ज्यादा पदक जीत चुके हैं। हमें सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हम बार बार लेटर लिखते हैं निको को, बिलाई को, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है। बारिश में हमारे सारे मलखंब ग्राउंड और भीग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम मलखंब आगे तक नहीं कर पाएंगे। हमारी आपसे यही विनती है, यहाँ पर इंडोर स्टेडियम बना दिया जाए और आर्थिक सहायता दी जाए, जिससे हम मलखंब को अमेरिका व ओलंपिक तक ले जाएंगे।